हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। ऑरेंजेस अभी सीजन में हैं, तो आज हम ऑरेंज से बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार, अमेजिंग और रिफ्रेशिंग ऑरेंज डेजर्ट बनाएंगे, जिसे आप ऑरेंज ट्राइफल या ऑरेंज पुडिंग भी कह सकते हैं। आज का ये एपिसोड हमारे विंटर डेजर्ट ट्यूजडे सीरीज का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद से नेक्स्ट वीक से हम आपके साथ लेकर आएंगे स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट की नई सीरीज। तो अगर आप मेरा कोई भी वीडियो या कोई भी सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। और ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। ऑरेंज ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए कस्टर्ड तैयार करना होगा। तो ऑरेंज ट्राइफल का कस्टर्ड बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 3.5 कप दूध। इस दूध में हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी और दूध को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और आइए अब जल्दी से हम कस्टर्ड का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो कस्टर्ड का पेस्ट तैयार करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैं रेगुलर मार्केट में मिलने वाला वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इस कस्टर्ड पाउडर में हम डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध और कस्टर्ड पाउडर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस कस्टर्ड के लिए मैंने 3.5 कप दूध पहले ही पैन में गरम करने रख दिया था, और यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप दूध। तो टोटल मिलाकर हम इस कस्टर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं 4 कप दूध। अब इस तैयार कस्टर्ड के पेस्ट को हम गरम दूध में डाल देंगे। ये कस्टर्ड हम थिक बनाएंगे, क्योंकि इसकी हमें ट्राइफल में लेज लगानी है। तो जैसे जैसे आप कस्टर्ड का पेस्ट इस दूध में डालते जाएं, दूसरे हाथ से चम्मच की मदद से इस दूध को लगातार मिलाते जाएं, जिससे कि कस्टर्ड का कोई भी लम्प इस दूध में नहीं बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छी तरह से इस दूध में मिक्स हो गया है। इसे हम लगातार चलाते जाएंगे और इस कस्टर्ड में हम एक उबाल आने देंगे। तो बॉयल आने के बाद इस कस्टर्ड को हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि इसमें कच्चे कस्टर्ड का जो भी फ्लेवर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इस कस्टर्ड को हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो जब तक हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है, आइए हम ऑरेंज ट्राइफल के लिए ऑरेंज जेली तैयार कर लेते हैं। तो इस पुडिंग में जेली के लिए मैं ले रही हूँ मार्केट में मिलने वाली ऑरेंज जेली का पैकेट। तो सबसे पहले इस बाउल में मैंने लिया है जेली का पाउडर, और इस जेली को हम इस पैकेट पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस की मदद से बिल्कुल फॉलो करते हुए उसी तरह से बना लेंगे। और इसमें हम डालेंगे लगभग 500 ml गर्म पानी। पानी और जेली के पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इस जेली को हम 40 से 45 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर पर आने तक और जेली को अच्छी तरह से सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे कस्टर्ड को भी ठंडा होते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इस कस्टर्ड को हम एक बार चलनी की मदद से छान लेंगे, जिससे कि इसमें अगर कोई भी लंप या गांठ रह गई हो तो इस चलनी में रह जाए। अब इस कस्टर्ड को हम फ्रिज में पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये और भी अच्छी तरह से थिक हो जाएगा और ट्राइफल में बहुत ही अच्छी तरह से इसकी लेयर लग जाएगी। तो अब कस्टर्ड और जेली के बाद इस ट्राइफल के लिए हम बनाएंगे ऑरेंज का जैम। तो ऑरेंज जैम बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 5 ऑरेंजेस का पल्प। इस पल्प के लिए मैंने 5 ऑरेंज ली हैं, उन्हें छीलकर मैंने उसके ऊपर जो स्किन लगी होती है उन स्किन को हटाकर, बीज हटाकर इस ऑरेंज के पल्प को इस बाउल में कलेक्ट कर लिया है। अब इन ऑरेंजेस में से बिल्कुल साफ स्किन की ऑरेंज के छिलके को मैंने यहाँ ले लिया है। इस ऑरेंज के छिलके को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और इसके पीछे जो व्हाइट पार्ट होता है उसे भी मैंने हटा लिया है। अब इस ऑरेंज के छिलके को हम बिल्कुल रफली बारीक चॉप कर लेंगे। ऑरेंज का जो छिलका होता है वो जैम या किसी भी डेजर्ट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो इस चॉप करे हुए 2 टेबलस्पून ऑरेंज के छिलके को हम इस पल्प में डाल देंगे, और अब जैम को पकाने के लिए इस पल्प और छिलके को हम एक पैन में डाल देंगे। साथ ही इस पल्प में हम डालेंगे लगभग 5 टेबलस्पून चीनी। चीनी और ऑरेंज के पल्प को हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से मैश करते हुए इसे थिक होने तक पका लेंगे। तो लगभग 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ऑरेंज का जैम अच्छी तरह से तैयार हो गया है।
इसका लिक्विड भी ड्राई हो गया है और ये थोड़ा थिक हो गया है। बस इसे हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब स्टेज पर इसे और ब्राइट और टेम्पटिंग कलर देने के लिए इसमें हम कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर की डाल देंगे। उसे भी इस जैम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस ऑरेंज जैम को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लगभग एक घंटा हो गया है, हमारा कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है और साथ ही हमारी जेली भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसे हम चम्मच की मदद से हल्का सा ब्रेक कर लेंगे। अब इस ट्राइफल में हम एक और लेयर लगाएंगे और वो होगी केक की। तो केक की लेयर लगाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रूट फ्लेवर का या वनीला फ्लेवर का रेडीमेड मार्केट में मिलने वाला केक। इस केक को हम इस तरह से हाथ से मसल लेंगे और इसके क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ हमारे केक के क्रम्स तैयार हो गए हैं। तो यहाँ हमने ट्राइफल की सारी तैयारी कर ली है, आइए इसे अब हम असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ट्राइफल को असेंबल करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ ग्लास का एक डिश और अब इस ट्राइफल के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे कस्टर्ड की एक लेयर। ये जो तैयार हमने कस्टर्ड किया है इसे हमें 3 लेयर्स में इस ट्राइफल में लगाना है। तो इसका जो 1/3 पार्ट होगा उसे सबसे पहले हम बॉटम लेयर लगाएंगे इस कस्टर्ड की लेयर के बाद। इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार और ठंडा किया हुआ ऑरेंज का जैम। जैम को हम इस कस्टर्ड पर अच्छी तरह से फैला देंगे और 1 से 2 चम्मच जैम को हम रिजर्व रख लेंगे जिसे हम बाद में टॉपिंग या गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब जैम के ऊपर हम क्रम्बल किए हुए केक के पीसेस को डाल देंगे। केक की लेयर को अच्छी तरह से फैला देंगे। केक के ऊपर फिर से हम एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर हम तैयार और ब्रेक करी हुई ऑरेंज जेली की लेयर लगा देंगे। जेली में से भी हम 2 से 3 टेबलस्पून जेली को रिजर्व रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब जेली के ऊपर हम बचा हुआ जो भी हमारा कस्टर्ड है उसकी एक लेयर लगा देंगे। इस लेयर को हमें बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कवर करते हुए नहीं लगाना है क्योंकि बीच बीच में से जो जेली हमें दिखेगी वो इस ट्राइफल को बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर से लुक देती है। लास्ट में जो बची हुई जेली है उसे हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से चम्मच की मदद से डाल देंगे। बचा हुआ थोड़ा सा ऑरेंज जैम भी हम ऊपर डाल देंगे। थोड़े से चॉप करे हुए 1 से 2 चम्मच इस पर हम ऑरेंज के छिलके को स्प्रिंकल कर देंगे और लास्ट में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो लग रही है ना देखने में कितनी अमेजिंग और टेम्पटिंग सी ऑरेंज ट्राइफल। पर अभी इसे खाने से पहले हमें लगभग 2 से 3 घंटे फ्रिज में पूरी तरह से ठंडा होने और अच्छी तरह से सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद इस ठंडी और बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑरेंज ट्राइफल को हम एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।